एक साल बाद भी बदहाली से नहीं उबर पाए हैं सूरत के व्यापारी। कपड़ा व्यापार जीएसटी के बाद सिर्फ 40% रह गया है। व्यापारी केंद्र सरकार से गुहार लगा लगा कर थक चुके हैं, पर उनकी समस्याओं का कोई हल अब तक उन्हें नहीं मिला है। जीएसटी को पूरा एक साल बीत चुका है, पर जीएसटी की मार झेल रहे व्यापारी अभी तक इससे उबर नहीं पाए हैं। पिछले साल जब टेक्सटाइल पर जीएसटी लागू किया गया तो करीब 20 दिन तक सूरत के कपड़ा व्यापारियों ने अपना कारोबार बंद रखा था। 70% कारखाने उस दौरान बंद रहे, लिहाजा सरकार व्यापारियों को लुभाने के लिए जीएसटी में एक के बाद एक बदलाव करती रही। लेकिन एक साल गुजर जाने के बावजूद सूरत का कपड़ा व्यापार पहले जैसी स्थिति में नहीं आ पाया। व्यापार कम हुआ है जीएसटी के बाद में, कोई फायदा नहीं हुआ है, नुकसान हमको बहुत ज्यादा हुआ है। हमारे ऊपर जीएसटी लगाई नहीं गई है, वो ला दी गई है, वो जबरदस्ती लगा दी गई। हमारे अंदर कोई टैक्सेशन के अंदर हमारा बिल्कुल नहीं था। पूरे देश भर में अपनी वैरायटी टेक्सटाइल्स के लिए जानी जाने वाली सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कारोबार अब सिर्फ 40% रह गया है। जीएसटी की मार इस कदर पड़ी है कि यहाँ रोजगार लगभग खत्म सा हो गया है। सूरत में पहले हर रोज 4 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन होता था, जो कि जीएसटी के बाद घटकर सिर्फ 2.5 करोड़ मीटर कपड़े का रह गया है। लेबर पलायन कर चुकी है, व्यापारियों ने बाहरी खरीदारों को माल बेचना बंद कर दिया है। बाहर से आने वाले खरीदारों से पहले 3 से 4 महीने में पैसा आ जाता था, पर अब वो पैसा व्यापारियों को 8 महीने तक भी नहीं मिल पाता। सूरत के व्यापारी टेक्सटाइल पर लगे जीएसटी को अभिशाप मानने लगे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार जो है इसके ऊपर संज्ञान लेकर के जो 3-4 कायदे इसके जो बिना मतलब के है, गलत है, उसको हटा देवे। जैसे कि ईवे बिल है उसको नाबूद कर देवे, ITC 04 है उसको नाबूद कर देवे, और जो ये रिटर्न भरते हैं हम GST R123 उसको त्रैमासिक कर देवे। अगर ये इतना कर देगी सरकार अगर, तो हो सकता है व्यापार पुनः जीवित हो जाएगा, नहीं तो व्यापार मर रहा है, व्यापारी मर रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री देश भर में 14 करोड़ लोगों का रोजगार है, जिसमें सूरत का योगदान 25% का है। एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल का योगदान 12% है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, इस पर जीएसटी लगाने का मतलब टेक्सटाइल के व्यापारियों के सामने मुश्किल पैदा कर देना है। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।